नमस्कार, मैं हर्षवाणी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 5 नवंबर को अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली और टीम के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन एक साथ बर्थडे केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान टीम के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का दर्जा एक समान है और नागरिकों को दोनों ही बराबर सम्मान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर जवाब देते हुए यह बात कही है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि वंदे मातरम को भी वही दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की हत्या के मुख्य आरोपी संदीप सिंह को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले के खालिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुकेश ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया है। सुकेश ने अपने लेटर में कई बड़े और सनसनीखेज दावे किए हैं। इस पत्र में केजरीवाल को सीधे सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो अपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपये क्यों लिए। हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकने से प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। मामले के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का हिमाचल पहुंचने से पहले बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात के बड़े सियासी मायने हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और 4 बार के विधायक जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी में शामिल होने का भी विकल्प खुला रखा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व्यास ने कहा कि मैं बीजेपी में परेशान था, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जसपुर में एक लड़के को सांप ने काटने के बाद लड़के ने सांप को 2 बार काट लिया, जिससे सांप की मौत हो गई। जब उसने सांप काटने की बात परिजनों को बताई तो परिवार वालों ने जल्दी जल्दी से उसे पास के एक अस्पताल में ले गए। इसके बाद दीपक को 1 दिन की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रखा गया। दीपक अभी सुरक्षित है। अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा स्टारर कांतारा ऐसी फिल्म साबित हुई है जिसके लिए शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये फिल्म बड़ा धमाका करेगी। लेकिन सच है कि अगर फिल्म अच्छी है तो उसे सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मंडी के सुंदरनगर पहुंचे। यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हिमाचल का चुनाव बेहद खास है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में आपकी ही सरकार बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में हमारी पार्टी जीतने के बाद सीएम का चेहरा होंगे ईशुदान गढ़वी। आईआईटी बॉम्बे ने यूसीईडी सीईईडी 2023 परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 नवंबर कर दी है। ट्विटर अधिग्रहण करने के बाद एलोन मस्क ने कंपनी के कई विभागों से सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के अध्यक्ष ने कंपनी से अब ह्यूमन राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, अल एथिक्स और क्यूरेशन सहित कई टीम को हटा दिया है। भारत की जासूसी करने के लिए ही चीन ने पिछले माह अपने एक स्पाई शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। हालांकि ये शिप जल्द ही यहां से चला गया था। अब चीन ने एक बार फिर इसी श्रेणी के एक और जहाज को इंडोनेशिया और के आसपास खड़ा किया है। इसका मकसद केवल भारत की जासूसी करना है। बीसीसीआई अध्यक्ष रूजर विनी ने पूर्व पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के उस बयान को पूरी तरह गलत बताया है, जिसमें उन्होंने आईसीसी का झुकाव भारत की ओर होने की बात कही है। रूजर विनी ने कहा कि यह गलत है। आईसीसी इवेंट में सभी टीमों के साथ बराबरी वाला बर्ताव किया जाता है। फिल्म आदि पुरुष रिलीज से पहले ही विवादों में छाई हुई है। वहीं फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर 30,000 कोर्ट में आज सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी गई है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद दर्शक फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर भी दर्शक दो धड़ों में बट गए हैं। कोई फिल्म को शानदार बता रहा है तो कुछ जमकर फिल्म की बुराई कर रहे हैं। नासा 14 नवंबर को अपने बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस प्रथम चंद्रमा मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि ईंधन रिसाव की खबरों के बीच कई मरम्मत के बाद नासा का आर्टेमिस 1 मेगा मून रॉकेट तीसरे लॉन्च प्रयास से पहले लॉन्च पैड की ओर चल पड़ा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सुबह 9:30 बजे 408 दर्ज किया गया है। रविवार को ICC T20 विश्व कप 2022 के सुपर 12 चरण का अंतिम मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। एक और जिम्बाब्वे जहां टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो दूसरी ओर भारत में सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुका है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने शनिवार को एक और कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने PA के घर पर ED की रेड का दावा किया है। हमीरपुर से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की वजह से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापस लौटेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट ने रोजगार समाचार पत्र में एडमिन और एलाइड पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक वेबसाइट DRDO.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए लिंक 7 नवंबर 2022 को उपलब्ध होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2022 है। शाहरुख खान की 3 फिल्में अगले साल रिलीज होंगी, जिसमें एक एटली निर्देशित जवान है। फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है। शाहरुख के ऑपोजिट साउथ एक्ट्रेस नयनतारा होंगी। फिल्म की रिलीज में अभी देरी है, उससे पहले अब यह विवादों में घिर गई है। जवान पर चोरी का आरोप लगा है। इस मामले में निर्देशक एटली के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। BJP नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सामने आकर सुकेश के आरोपों और पैसे की डील के बारे में बताना चाहिए। इस मामले में टाल मटोल नहीं चल सकता। अगर केजरीवाल सुकेश से पैसे ले सकते हैं, तो तिहाड़ जेल में बंद आतंकियों और देश के दुश्मनों से भी डील करते होंगे। इंग्लैंड ने श्रीलंका को अहम मुकाबले में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप 1 के न्यूजीलैंड के बाद नॉकआउट मुकाबलों में प्रवेश करने वाली इंग्लैंड दूसरी टीम बन गई है। जॉस बटलर की टीम की जीत के साथ गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला किया गया, इसमें बाल बाल वो बच गए। इस हमले को नाकाम करने वाले शख्स के प्रति इमरान खान ने आभार जताया है और उसे देश का हीरो कहा। गुरुवार को इमरान खान की अगुवाई में एक विरोध रैली निकाली गई थी, इस दौरान ही उन पर 2 बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। PM मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सोलन ने इतनी व्यापक प्रतिक्रिया के साथ यह संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिश रचते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के नजदीक माना गांव स्थित देश की आखिरी चाय की दुकान पर अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से पेमेंट किया जा सकेगा। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चाय की दुकान पर यह सुविधा मिलने पर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर खुशी जताई है। चुनाव आयोग द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आगामी 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन किया जाएगा। 18 नवंबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 21 नवंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी और फिर 5 दिसंबर को मतदान होगा। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर वर्तमान में लंदन में पढ़ाई कर रही है। सारा तेंदुलकर ने अपनी हैंडराइटिंग की झलकियां अपने फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें सारा ने अपनी सुंदर राइटिंग दिखाई है। हाल ही में सारा ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दिलीप सिंह, राजेंद्र सैनी, रविशंकर, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद सदम अंसारी, सचिन कुमार, मुचू रंगीला, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार और ललित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सोनपुर का मेला कल से शुरू होने जा रहा है, क्या आप कभी सोनपुर के मेले में घूमने गए हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।